वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करम की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा, मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा, बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है। कहा हाँ, मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा, फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया, और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया, उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत उवैसे करनी नहीं आए, लेकिन खैर ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए उवैस बिन आमर को मिले, और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो मां बाप की खिदमत करता है, इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालदैन के लिए दुआ करे, वालदैन जिंदा हो तब भी, वालदैन फौत हो गए हो तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना मां बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालदैन के लिए दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है।